शिव का अर्थ। जब हम शिव कहते हैं तो दो मूलभूत पहलू हैं जिनका हम उल्लेख कर रहे हैं। शिव शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह जो नहीं है। शिव शून्य है। आज आधुनिक विज्ञान हमें यह साबित कर रहा है कि सब कुछ शून्य से आता है और शून्य में ही चला जाता है। अस्तित्व का आधार और ब्रह्मांड का मौलिक गुण विशाल शून्यता है। आकाश गंगाएं बस एक छोटी सी घटना है, एक छिड़काव। बाकी सब विशाल खाली स्थान है जिसे शिव कहा जाता है। वह गर्भ है जहां से सब कुछ पैदा होता है और वह विस्मृति है जिसमें सब कुछ वापस सोख लिया जाता है। सब कुछ शिव से आता है और वापस शिव में ही चला जाता है। शिव चित्रण, शिव कौन है? शिव अंधकार है। इसलिए शिव को एक अस्तित्व के रूप में नहीं बल्कि एक अस्तित्व के रूप में वर्णित किया गया है। शिव को प्रकाश के रूप में नहीं बल्कि अंधकार के रूप में वर्णित किया गया है। मानवता अपने दृश्य तंत्र की प्रकृति के कारण ही प्रकाश की स्तुति करती रही है। अन्यथा एकमात्र चीज जो हमेशा रहती है वह है अंधकार। प्रकाश इस अर्थ में एक सीमित घटना है कि प्रकाश का कोई भी स्रोत, चाहे प्रकाश बल्ब हो या सूर्य, अंततः प्रकाश देने की अपनी क्षमता खो देगा। प्रकाश शाश्वत नहीं है, यह हमेशा एक सीमित संभावना होती है क्योंकि यह होता है और समाप्त हो जाता है। अंधकार प्रकाश से कहीं अधिक बड़ी संभावना है। किसी भी चीज को जलाने की आवश्यकता नहीं है, वह सदैव है, वह शाश्वत है। हर जगह अंधेरा है, यह एकमात्र ऐसी चीज है जो सर्वव्यापी है। लेकिन अगर मैं दिव्य अंधकार कहता हूँ तो लोग सोचते हैं कि मैं शैतान का उपासक या कुछ और हूँ। दरअसल पश्चिम में कुछ जगहों पर यह प्रचारित किया जा रहा है कि शिव एक राक्षस है। लेकिन अगर आप इसे एक अवधारणा के रूप में देखें तो सृष्टि की पूरी प्रक्रिया और यह कैसे घटित हुई, इसके बारे में ग्रह पर इससे अधिक बुद्धिमान अवधारणा नहीं है। मैं दुनिया भर के वैज्ञानिकों से शिव शब्द का उपयोग किए बिना वैज्ञानिक संदर्भ में इस बारे में बात कर रहा हूं और वे आश्चर्यचकित हैं। क्या ऐसा है ये पता था? कब? हम इसे हजारों वर्षों से जानते हैं। भारत का लगभग हर किसान इसके बारे में अनजाने में जानता है। वह इसके पीछे के विज्ञान को जाने बिना ही इसके बारे में बात करता है। आदियोगी का अर्थ प्रथम योगी। दूसरे स्तर पर जब हम शिव कहते हैं तो हम एक निश्चित योगी, आदियोगी या पहले योगी और आदि गुरु, पहले गुरु की बात कर रहे हैं जो आज हम योग विज्ञान के रूप में जो जानते हैं उसका आधार है। योग का मतलब सिर के बल खड़ा होना या सांस रोककर रखना नहीं है। योग इस जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे इसकी चरम संभावना तक कैसे ले जाया जा सकता है, इसकी मूल प्रकृति को जानने का विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। योग विज्ञान का यह पहला प्रसारण हिमालय में केदारनाथ से कुछ मील दूर एक हिमनदी झील कांति सरोवर के तट पर हुआ, जहां आदियोगी ने अपने पहले 7 शिष्यों को इस आंतरिक तकनीक का व्यवस्थित प्रदर्शन शुरू किया, जिसे आज सप्तऋषियों के रूप में मनाया जाता है। यह सभी धर्मों से पहले का है। इससे पहले कि लोग मानवता को इस हद तक खंडित करने के विभाजनकारी तरीके अपनाते कि इसे ठीक करना लगभग असंभव लगता, मानव चेतना को बढ़ाने के लिए आवश्यक सबसे शक्तिशाली उपकरणों को महसूस किया गया और उनका प्रचार किया गया। तो शिव का तात्पर्य वह जो नहीं है और आदियोगी दोनों से है, क्योंकि कई मायनों में वे पर्यायवाची हैं। यह अस्तित्व जो योगी है और वह गैर अस्तित्व जो अस्तित्व का आधार है एक ही है, क्योंकि किसी को योगी कहने का मतलब है कि उसने अस्तित्व को स्वयं के रूप में अनुभव किया है। यदि आपको एक क्षण के लिए भी अस्तित्व को अनुभव के रूप में अपने भीतर समाहित करना है तो आपको वह शून्यता बनना होगा। केवल शून्यता ही सब कुछ धारण कर सकती है। कोई चीज कभी भी हर चीज को रोक नहीं सकती। एक जहाज सागर को नहीं पकड़ सकता। यह ग्रह एक महासागर को धारण कर सकता है, परंतु यह सौरमंडल को धारण नहीं कर सकता। सौर मंडल इन कुछ ग्रहों और सूर्य को धारण कर सकता है, लेकिन यह शेष आकाश गंगा को धारण नहीं कर सकता। यदि आप इस तरह उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हैं तो अंततः आप देखेंगे कि केवल शून्यता ही सब कुछ रोक सकती है। योग शब्द का अर्थ है मिलन। योगी वह है जिसने मिलन का अनुभव किया है। इसका मतलब है कम से कम एक पल के लिए वह पूर्ण शून्यता में रहा है। जब हम शिव के बारे में वह जो नहीं है और शिव के बारे में एक योगी के रूप में बात करते हैं तो एक तरह से वे पर्यायवाची हैं, फिर भी वे दो अलग अलग पहलू हैं। क्योंकि भारत एक द्वंद्वात्मक संस्कृति है, हम सहजता से इससे उस और उससे इस ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। एक पल हम शिव के बारे में परम के रूप में बात करते हैं, अगले ही पल हम शिव के बारे में उस व्यक्ति के रूप में बात करते हैं जिसने हमें योग की यह पूरी प्रक्रिया दी। शिव कौन नहीं है? दुर्भाग्यवश आज अधिकांश लोगों का शिव से परिचय भारतीय पंचांग कला के माध्यम से ही हुआ है।
उन्होंने उसे गोलमटोल गालों वाला नीले रंग का आदमी बना दिया है, क्योंकि कैलेंडर कलाकार का केवल एक ही चेहरा होता है। कृष्ण को मांगोगे तो हाथ में बांसुरी दे देंगे, राम को मांगोगे तो वह धनुष हाथ में दे देंगे। यदि आप शिव से पूछेंगे तो वह अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण कर लेंगे और बस। आदियोगी शिव का दूसरा नाम। जब भी मैं इन कैलेंडरों को देखती हूँ, मैं हमेशा तय करती हूँ कि कभी किसी चित्रकार के सामने नहीं बैठूंगी। तस्वीरें बिल्कुल ठीक हैं, आप जिस भी रूप में हों, वे आपको कैद कर लेती हैं। यदि आप शैतान की तरह दिखते हैं तो आप शैतान की तरह दिखते हैं। शिव जैसा योगी गोलमटोल गाल वाला क्यों दिखेगा? यदि आप उसे पतला दिखाते तो ठीक होता, लेकिन गोलमटोल गाल वाला शिव वह कैसे? योगिक संस्कृति में शिव को भगवान के रूप में नहीं देखा जाता है। वह एक ऐसा प्राणी था जो इस भूमि पर चलता था और हिमालय क्षेत्र में रहता था। योगिक परंपराओं के स्रोत के रूप में मानव चेतना के निर्माण में उनका योगदान इतना अभूतपूर्व है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर संभव तरीका जिससे आप मानव तंत्र तक पहुंच सकते हैं और उसे एक अंतिम संभावना में बदल सकते हैं, हजारों साल पहले खोजा गया था। इसका परिष्कार अविश्वसनीय है। यह प्रश्न अप्रासंगिक है कि क्या उस समय लोग इतने परिष्कृत थे, क्योंकि यह किसी निश्चित सभ्यता या विचार प्रक्रिया से नहीं आया था। यह एक आंतरिक एहसास से आया है। इसका उसके आसपास क्या हो रहा था, उससे कोई लेना देना नहीं था। यह तो स्वयं का ही प्रकटीकरण था। बड़े विस्तार से उन्होंने मानव तंत्र के प्रत्येक बिंदु के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसका एक अर्थ और एक संभावना दी। आप आज भी एक भी चीज नहीं बदल सकते, क्योंकि उन्होंने वह सब कुछ कहा जो इतने सुंदर और बुद्धिमान तरीके से कहा जा सकता था। आप अपना पूरा जीवन केवल इसे समझने में बिता सकते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के बारे में इतना अद्भुत ज्ञान फैलाने में सक्षम हैं। हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद चाहते हैं, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। अधिक सनातन ज्ञान वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।